और भाई क्या हाल है। तो ये है पोको एक्स 3 प्रो के लिए लेटेस्ट ऑफिशियल पैरानॉइड एंड्रॉयड का टॉपेज वन स्टेबल अपडेट, जिसके लिए भाई काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। और मैंने इसको यहाँ पर कल इंस्टॉल कर लिया था, परसों इंस्टॉल कर लिया था बेसिकली, और मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले सेटिंग्स में चलेंगे और यहाँ पर आपको जो है मैं दिखा देता हूँ, ये है टॉपेज वन जो कि स्टेबल बेस्ड अपडेट है। एंड्रॉयड वर्जन 13 मिलेगा, May 2023 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है और लिटन कर्नल आपको मिलता है भाई। इसकी परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप सब के बारे में मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं और ये मे 14 से अपडेटेड है। अब सबसे पहले स्टॉक जो कैमरा है वो आपको यहां पर लाइका कैमरा मिल जाता है। आपको HDR ऑफ करना होगा और 4K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी सारे के सारे यहां पर आपको जो है हाई एंड फीचर्स मिल जाते हैं, इवन आप GCam भी ट्राई कर सकते हो। रोम के ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करने में कोई भी लैग आपको नहीं आएगा और ये काफी सुपर स्मूथ है जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हो। इसमें स्क्रोलिंग वगैरह करो भाई कोई भी इश्यूज आपको नहीं आने वाले। एंड ये कुछ आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड देखने को मिल जाती है जो कि काफी फास्ट है और एनिमेशंस भी काफी स्मूथ आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिवनेस आपको रोम के अंदर मिलती है और हैप्टिक्स यहाँ पे इनेबल्ड आपको नहीं मिलेंगे जब आप यहाँ पे जो है स्क्रोलिंग करोगे। वैसे लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड्स है ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन आप देख सकते हो, इसमें भी कोई लैग आपको नहीं आएगा, ये भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। बाय द वे जो लॉन्चर है इस रोम के अंदर वो आपको मिलता है पैरानॉइड का लॉन्चर और इसमें ये कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। गूगल सर्च बार आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो और डबल टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी सारे चेंजेस है और एट अ ग्लांस भी आपको यहां पर मिलेगा और साथ में एब्स्ट्रैक्ट ऐप आपको मिल जाता है जिससे आप वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हो। इसमें काफी सारे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। वैसे मैंने ये वाला सेटअप कर रखा है, इसमें काफी सारे वॉलपेपर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। फीचर्स की बात करेंगे तो अगर आप एप्स में आओगे तो यहाँ पे कोई गेम स्पेस ऐड नहीं किया गया। बैटरी में बैटरी परसेंटेज आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको यूसेज का ग्राफ देखने को मिल जाएगा और साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको यहाँ पर मी साउंड इनहेंसर देखने को मिलता है। बाकी अगर आप वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स देखोगे तो ये कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और डिस्प्ले के अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो आइकन मैनेजर का ऑप्शन है और उसमें जो है कलर्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बाकी स्मूथ डिस्प्ले, 4 स्पीक रिफ्रेश रेट है और यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप्स मिल जाएंगे। LCD फीचर्स में HBM का ऑप्शन आपको मिलेगा और वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे थीम आइकॉन है एंड जो 6x6 तक है वो आप मैक्सिमम ग्रिड्स चूज कर सकते हो। एंड ये सिस्टम आइकॉन पैक्स है, कुछ फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे जिनमें आप जो है इनको चेंज कर सकते हो, ये भी काफ़ी सारे फॉन्ट्स है वैसे तो। और अगर आप सिक्योरिटी के अंदर आओगे तो फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट आपका प्रेजेंट है और सिस्टम में जेस्चर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है। प्रेस एंड होल्ड पावर मेन्यू में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं मिलते, 2 बटन मिसिंग रहेगा और ये आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। और स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और साथ में थर्मल प्रोफाइल्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर सिस्टम के अंदर मिलता है जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रोम में आपका जो डिवाइस है वो आपको सर्टिफाइड मिलता है, उसके साथ वाइड बैंड L1 का सपोर्ट रहेगा और ये गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग मिल जाती है। बट जो आपको यहाँ पर अपलोडिंग या फिर जो क्वालिटी है ना वो आपको यहाँ पर स्टोरेज सेवर को सिलेक्ट करना होगा और जो मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है वो अराउंड 4000 mAh के आसपास मिलेगी। मैक्स जो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है चार्जिंग टाइम में वो 41 डिग्री के आसपास जाएगा और रोम को अगर आप नॉर्मली यूज करते हो तो 8 to 9% पर आर के आसपास एक्टिव ड्रेन रहेगा। आइडल ड्रेन काफी कम है, डीप स्लीप वर्किंग है। CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ में CPU बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता। और अगर हम Geekbench 6 के स्कोर्स की बात करें तो ये स्कोर्स आपको मिल जाते हैं 5,71,000 के आसपास N22 बेंचमार्क के स्कोर्स हैं और ये YLF टेस्ट के स्कोर्स रहेंगे। रोम में आप 60 FPS तक गेमिंग कर सकते हो। अब एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं भाई, जो गर्मी है ना वो काफी ज्यादा है। लाइक मैं नॉर्मली भी अगर फोन यूज करता हूँ YouTube वगैरह तो टेम्परेचर सभी मेरे डिवाइसेस में ना 38-39 के आसपास नॉर्मली चला जाता है, समटाइम्स तो 41 के आसपास रहता है, वो डिपेंड करता है एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर। अब अगर आप ऐसी गर्मी के अंदर गेमिंग यहाँ पर करना चाहते हो, वैसे 60 FPS में गेमिंग कर सकते हो बट कोई मेजर इश्यूज आपको नहीं आने वाले, तो आपको भाई अपना जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करना होगा। अगर आपने वो चीज़ मेंटेन कर ली ना तो इस रोम के अंदर आप काफ़ी तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। लाइक FPS ड्रॉप मेरे को क्लोज रेंज में नहीं मिला बट हाँ जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह साथ में ट्राई की तो जो FPS था वो यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप होने लग गया था क्योंकि जो टेम्परेचर है 45 के आसपास चला गया था। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा गेमिंग आप कैसी करोगे इस रोम के अंदर। वैसे अगर आप टेम्परेचर 44-45 के आसपास चला जाता है फ़ोन का आपके तो यहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप्स मिलेंगे। अगर उससे नीचे लाइक AC वगैरह आप यूज़ करते हो या फिर आपके पास कोई भाई मोबाइल का कूलर वगैरह है उसके वजह से आपको कोई मेजर
इश्यूज यहाँ पे नहीं आएंगे, तब आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के।